हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एयरफोर्स वालों के लिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। शांति स्वरूप, शांति स्वरूप भट्ट नागर अवार्ड, शांति स्वरूप भट्ट नागर अवार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन प्रोफेसरों को दिया गया है, वो भी आईआईटी के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए शांति स्वरूप भट्ट नागर अवार्ड जो दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किस फील्ड में दिया जाता है ये ध्यान रखिएगा, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बात करते हैं भौतिक विज्ञान में। एक्चुअली आई आई टी के तीन प्रोफेसरों को दिया गया। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक विज्ञान में किसको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया, ये हैं प्रोफेसर सुब्रमण्यम रामकृष्ण को दिया गया। प्रोफेसर सुब्रमण्यम रामकृष्ण को दिया गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, भौतिक के क्षेत्र में दिया गया, दूसरा रसायन के क्षेत्र में दिया गया, और तीसरा किस क्षेत्र में दिया गया कंप्यूटर के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात, ये जो तीनों अवार्ड हैं तीनों आईआईटी के प्रोफेसरों को दिया गया है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोफेसर नितिन सक्सेना को ये अवार्ड दिया गया है कंप्यूटर के क्षेत्र में। अब जब कंप्यूटर के क्षेत्र में बात करते हैं तो सेकेंड इसमें हमारा था वो है मैकेनिकल के क्षेत्र में किसको दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल को। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में आईआईटी के तीन प्रोफेसरों को दिया गया है, भौतिक के क्षेत्र में इनको दिया गया, मैकेनिकल के क्षेत्र में इनको दिया गया, कंप्यूटर के क्षेत्र में नितिन सक्सेना को दिया गया। फिर अब शांति इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये किस डेट को मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 1 मार्च, बी 22 मार्च, सी आपका है 20 मार्च, और डी नन ऑफ दीज एबव। मतलब विश्व नागरिक सुरक्षा इंच और फोर्थ ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर है, 1 मार्च। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि अब ये एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा है, एनवायरनमेंट डे, वर्थ अर्थ डे, ये तो सब बेबी वाले क्वेश्चन हो गए, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन टफ करेगा कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, यहीं पर ये भी देख लेते हैं 22 मार्च को और भी एक डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसी डे को
दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका आंसर तो है 1 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे या बिहार दिवस, बोथ दोनों मनाए जाते हैं, दोनों मनाए जाते हैं, और एंड करके ये भी मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म की। अगर हम बात करते हैं सिमी, सिमी का फुल फॉर्म SIMI, सिमी का सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि सिमी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिमी का फुल फॉर्म लिखिएगा स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सिमी का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अगर थोड़ा सा अगर हम लेते हैं फिजिक्स में, कि ब्लैक गोल्ड किसे बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड किसे बोला जाता है, लिख लीजिए पेट्रोलियम को बोला जाता है, पेट्रोलियम को बोला जाता है, यानी काला सोना किसको बोला जाता है, पेट्रोलियम को बोला जाता है। ठीक, अभी क्या हुआ, एक युद्ध अभ्यास है जो इंडिया एंड सिंगापुर इंडिया और सिंगापुर के बीच एक सैन्य युद्ध अभ्यास है, तो उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, सम्प्रीति 2019। उस युद्ध अभ्यास का नाम ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि सम्प्रीति एक युद्ध अभ्यास है, एक युद्ध अभ्यास है किन दो कंट्री के बीच है, इंडिया और सिंगापुर के बीच है, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया और क्या है, बांग्लादेश के बीच है, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब इन दोनों के बीच एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है साम्प्रति 2019 एक युद्ध अभ्यास। अच्छा, फिर यहाँ से हम देखते हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो वो कौन है, वो हमारी है शेख हसीना। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शेख हसीना। अगर फिर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, बांग्लादेश इज आल्सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान। फिर अगर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश के जो पीएम तो ये शेख हसीना है, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस ईयर अलग हुआ था, तो 1971 में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ईयर आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किस साल अलग हुआ था, तो वह अलग हुआ था 1971 को, ये आप डेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी क्या हुआ, फिर बात करते हैं, अभी एक व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो किसी एक देश के क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे, उनका नाम है भरत मोहन
भरत मोहन एक व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं? ये क्वेश्चन पूछेगा। उप प्रधान मंत्री हैं, ठीक, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। वो कहाँ के हैं? नेपाल के। ये आप ध्यान रखिएगा, नेपाल, नेपाल के। मतलब भरत मोहन का हाल ही में निधन हो गया, वो नेपाल के उप प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, फिर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। ये आप नाम ध्यान रखिएगा कि नेपाल के ये तो राष्ट्रपति हैं, और नेपाल के राष्ट्रपति के साथ साथ अगर हम बात करते हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है केपी ओली। तो ये अब ध्यान रखिएगा, केपी ओली ना लिख के इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, खड़क प्रसाद ओली। तो आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब नेपाल के नए सेना अध्यक्ष भी हैं, नेपाल के नए सेना अध्यक्ष का नाम भी आप लिख लीजिए, उनका नाम है नए सेना अध्यक्ष का नाम, इनका नाम है जनरल पूर्ण थापा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये चेंज हुए हैं, इसलिए इनका नाम प्रेजेंट टाइम में ये न्यू आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये इतने चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर अगर एक क्वेश्चन पूछा कि अगर नेपाल की कैपिटल की बात करते हैं, तो सबको पता है ये तो नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू, काठमांडू नेपाल की कैपिटल तो काठमांडू है, और काठमांडू किसी का हेडक्वार्टर है, काठमांडू किसी का हेडक्वार्टर है, तो किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। ये आप ध्यान रखिएगा, सार्क का हेडक्वार्टर है, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये ध्यान रखिएगा। नेपाल की मैंने तो आपके नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम बताया, नेपाल के पीएम का नाम बताया, और नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है। एक्चुअली काठमांडू किसी का हेडक्वार्टर है, तो किसका है? सार्क का। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना चाहिए कि सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क हो गया। अब कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि सार्क में टोटल 8 मेंबर होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, सार्क में कितने टोटल मेंबर होते हैं, वो टोटल 8 मेंबर होते हैं, ये आप चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं, अभी क्या हुआ, अमेठी
अमेठी जो है एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है अमेठी। वहाँ पे एक जगह है जो है कोरवा क्षेत्र, कोरवा क्षेत्र। यहाँ पे शस्त्र फैक्ट्री, शस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी, शस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो है अमेठी, अमेठी में कोरवा क्षेत्र में शस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जो शस्त्र फैक्ट्री है किस फॉरेन कंट्री की सहायता के, कौन से कैसी विदेशी कंट्री है। अगर ऑप्शन आपको फर्स्ट देगा चाइना, सेकेंड आपको ऑप्शन दे दिया रसिया, और थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया कनाडा, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया नोटा। जैसे ही ये ऑप्शन आया आपकी तीनों ऑप्शन की वाट लग जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोरबा क्षेत्र किस लिए फेमस है, शस्त्र फैक्ट्री के लिए फेमस है। कहाँ पे है, अमेठी में है। अमेठी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और किस फॉरेन कंट्री की सहायता से, रसिया की सहायता से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा किस फॉरेन कंट्री की सहायता से है, रसिया की सहायता से। फिर आपको हम यहीं पे थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं कि जो रसिया की जो कैपिटल है, रसिया की जो कैपिटल है वो तो हमारी क्या है, मास्को। रसिया की कैपिटल तो मास्को। और रसिया के प्रेसिडेंट का नाम, रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, रसिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन क्या है, रसिया के ये क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, अभी हाल ही में क्या हुआ कि अब जैसे हमारे इंडिया में कुछ बच्चे गायब हो जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों के गायब होने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। तो वो ऐप, वो उस ऐप का नाम क्या है, री यू नाइट। मतलब बच्चों, जितने भी बच्चे गायब हो रहे हैं देश में, जितने भी बच्चे गायब हो रहे हैं, कि केंद्र सरकार ने उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया, वो उस ऐप का नाम क्या है, री यूनाइट। ठीक, फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा सेकंड चीज क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया। ये करंट का क्वेश्चन है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया। जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम क्या है, माई सर्कल। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हुआ, हाल ही में महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे बिल भी आए थे, तो 3 तलाक भी आया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, माई सर्कल। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, मुंबई में है। सबको तो पता है गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, ये है तो मुंबई में, और इंडिया गेट
ये कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कि ये इसमें है क्या है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है और इंडिया गेट क्या है, नई दिल्ली में। अभी वार मेमोरियल की स्थापना की गई, वार मेमोरियल की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वार मेमोरियल की स्थापना की गई, एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया गेट के पास ही नेशनल वार मेमोरियल की स्थापना की गई, मतलब इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। फिर इसकी खासियत क्या है, इसकी कुछ ब्यूटी होगी ना। इसमें बताया गया है कि इसमें टोटल चार चक्र हैं। फर्स्ट चक्र का नाम ध्यान रखिएगा अमर चक्र, सेकेंड चक्र का नाम आप ध्यान रखिएगा वीर चक्र, सेकेंड चक्र का नाम आप ध्यान रखिएगा वीर चक्र, वीर नहीं वीरता चक्र, और जो है त्याग चक्र, त्याग चक्र, और जो फोर्थ है फर्स्ट अमर चक्र, सेकेंड वीरता चक्र, थर्ड त्याग चक्र, और फोर्थ है सुरक्षा चक्र, सुरक्षा चक्र। अब क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि वार मेमोरियल की स्थापना नई दिल्ली में की गई तो कितने चक्र की व्यवस्था की गई, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपको ध्यान रखना है, फोर चक्र की स्थापना की गई। अब इसकी खासियत क्या है कि इसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनमें जितने भी शहीद हुए हैं तो उनके नाम लिखे जाएंगे किसमें, वार मेमोरियल में। जल सेना, थल सेना और वायु सेना में जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे जाएंगे, इसकी ये ब्यूटी है। अब अगला चलते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे किस डेट को मनाया जाता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल वुमेन डे किस डेट को मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल वुमेन डे किस डेट को मनाया जाता है, तो ये किस डेट को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। फिर अच्छा यहीं से क्वेश्चन फिर पूछेगा, लगातार न्यूज में चल रहा है एफ ए टी एफ, इसको अच्छा क्या करिएगा, आप थोड़ा से स्टार बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद एफ ए टी एफ, मैंने इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर भी इसे एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, ताकि क्योंकि लगातार न्यूज़ में चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एक्चुअली कोई भी कंट्री अगर अपने आतंकवादियों को पनाह देता है और साथ में उसको पैसा मुहैया कराता है, ठीक है, तो उसको इस लिस्ट में डाला जाता है। जब इस लिस्ट में तो डाल दिए, तो इस लिस्ट का फुल फॉर्म ये है। और सेकंड चीज, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर आप ध्यान रखिएगा क्या है, पेरिस। अब पेरिस किसकी कैपिटल है, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की। और आपको पता है कि पेरिस की कैपिटल तो क्या है, फ्रांस तो है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्रांस, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम, प्रेसिडेंट का नाम, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब
फाइनेंशियल एशियन टास्क फोर्स तो हो गया, इसका हेडक्वार्टर पेरिस है, पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की, पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की, ठीक। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम, फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो फाइनेंशियल एशियन टास्क फोर्स है इसका जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, किस कंट्री का है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो चेयरमैन है वो है चाइना का। अब चूंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अब पाकिस्तान को इस लिस्ट में डालने, अभी एक बैठक होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में 13-14 अक्टूबर को, तो इस लिस्ट में डालने के लिए देखते पाकिस्तान वो क्या चाइना क्या करता है। तो ये ध्यान रखिए, इसका जो चेयरमैन है, चेयरमैन जो है ये ध्यान रखने का, किस कंट्री का है, चाइना का है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, चेयरमैन का नाम नहीं पूछेगा, कि पूछेगा चेयरमैन जो है किस कंट्री का है, किस कंट्री का है, वो चाइना का है, ये आप ध्यान रखिएगा, किस कंट्री का है, चाइना का है। उसके बाद ठीक, अब अभी हाल ही में थोड़ा सा स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अजलन शाह, अजलन शाह ये एक कप है, तो पूछेगा कि किस चीज से, किस फील्ड से रिलेटेड है, हॉकी से, हॉकी से, या क्रिकेट से, या फुटबॉल से, या पोलो से। तो आपको पता है कि ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, लेकिन आपको ये थर्ड ऑप्शन तो होगा ना, ये ए बी सी डी, तो आपको ये लगता है कंफ्यूजन आपको होगा हॉकी और क्रिकेट में। तो ध्यान रखिएगा, अजलन शाह एक कप है जो किस फील्ड से है, हॉकी से है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि स्वच्छता के मतलब, अभी एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में देखा गया कि स्वच्छता के मामले में, स्वच्छता के मामले में लगातार, स्वच्छता के मामले में लगातार तीसरे शहर जो है वो टॉप पे कौन सा है, वो इंदौर है। इंदौर कौन सा है, इंदौर इंदौर, ठीक। मतलब आपको तो पता है कि स्वच्छता के मामले में अभी सर्वे किया गया तो जो टॉप पे जो शहर है वह इंदौर है, ठीक, ए फर्स्ट नंबर पे। और जो सेकेंड नंबर आपका आता है ये पड़ता है अंबिकापुर, सेकेंड पड़ता है अंबिकापुर, ठीक। आपको सिर्फ फर्स्ट का ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंदौर जो है एक जिला है, किस स्टेट में पड़ता है, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। जब आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की यहाँ पे एक मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको तो पता है कि भोपाल, ये इसकी क्या है, कैपिटल, ये इसकी कैपिटल है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम कमलनाथ, और यहीं पे आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में विधान सभा की जो सीटें हैं टोटल 230 हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, मैंने सीटें की इसलिए बात की कि 17 नंबर का जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला था उसके पहले 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में एक स्टेट था हमारा एमपी, तो एमपी को आपको पता चल गया कि 200 विधानसभा की 230 सीटें हैं, सीएम ये हैं, इसकी कैपिटल ये है, और ये स्वच्छता के मामले में लगातार तीसरे वर्ष टॉप पे कौन सा, इंदौर, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। किस डेट और किस ईयर को स्टार्ट किया गया ये ध्यान रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस डेट को स्टार्ट किया गया। ए ऑप्शन बात करते हैं 1 मई 2016, बी ऑप्शन 1 मई 2015, सी ऑप्शन 1 मई 2014 और डी ऑप्शन आपका दे दिया नन ऑफ दीज एबव, नन ऑफ दीज एबव। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये किस डेट को हुआ था, 1 मई 2016 को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, डेट नहीं याद करने की ज़रूरत, कोई बात नहीं, बट आप ईयर ध्यान रखिएगा। ईयर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस साल स्टार्ट किए गए, 2019। अब बात करते हैं नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार 2018 का किसको दिया गया ये ध्यान रखिएगा। ये दिया गया है सीमा राव को। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक महिला कमांडो ट्रेनिंग ऑफिसर है। तो आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि नारी शक्ति पुरस्कार 2018 को किसको दिया गया, सीमा राय को। सीमा राव क्या है, एक कमांडो महिला ट्रेनिंग है, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक, अब अगला देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे तो किस डेट को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 18 अप्रैल को तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अभी हाल ही में मतलब कौन सा एक मंदिर है जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये लिख लीजिएगा तेलंगाना का रमप्पा मंदिर। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व विरासत स्थल में किस राज्य का मंदिर शामिल किया गया है, तो वो है तेलंगाना का रमप्पा मंदिर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक। अब बात करते हैं कि तेलंगाना जो एक स्टेट है किस डेट को बना, तो ये ध्यान रखिएगा 2 जून 2014 को ये इंडिया का 29 नंबर का स्टेट का ये बना, स्टेट बना, ये आप ध्यान रखिएगा। और किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, तेलंगाना में विधानसभा की सीटें तो यहाँ पे है 119, क्योंकि अभी जो पांच राज्यों का लोकसभा इलेक्शन के पहले पांच राज्यों का इलेक्शन हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था कि एक एमपी के में भी विधानसभा सीटें लिखाई, फिर तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी विधानसभा की सीटें कितनी है, 119। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछेगा कौन सा एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका नाम बदल के प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय कर दिया गया।
तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका नाम बदलकर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय कर दिया गया, वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय कर दिया गया। और जो प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद है इनका नेम है, निक नेम है रज्जू भैया, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है उनका केंद्रीय क्या ओरिजिनल नाम ना दे के निक नेम दे देता है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदल के प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय कर दिया गया। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को निक नेम क्या है, रज्जू भैया, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में यशवंत राव चौहान नेशनल अवार्ड 2018 को का अवार्ड किसको दिया गया। ये जो अवार्ड अभी दिया गया है रघुराम राजन को, रघुराम राजन को। अब ये अवार्ड है क्या, एक्चुअली यशवंत राव जो हैं क्या है मध्य महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री हैं, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। अभी हाल ही में किसको दिया गया, रघुराम राजन को दिया गया। अब रघुराम राजन कौन है, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के फॉर्मर फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। अच्छा, जब यहीं पे अगर हम थोड़े लगे हाथ देख लेते हैं कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, तो आरबीआई का जो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आरबीआई के जो ये आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। अब क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइज कब किया गया, ये किया गया 1949 को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि यशवंत राव चौहान एक अवार्ड दिया गया है जो कि रघुराम राजन को दिया गया है। अब रघुराम राजन एक्चुअली आरबीआई के फार्मर गवर्नर हैं, तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट इस ईयर को हुआ है, और इसका नेशनल कब किया गया है, 1949 को किया गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो हाउ मेंबर इन आरबीआई, हाउ मैनी मेंबर इन आरबीआई, तो हमें पता है टोटल जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 5। टोटल कितने मेंबर हैं, 5। अब 5 में को अगर हम लिखते हैं तो 5, 4+1, ये जो 1 होते हैं ये होते हैं आरबीआई गवर्नर, ये तो है ही है। और साथ में आरबीआई गवर्नर तो हैं, फिर उसके बाद ये जो 4 होते हैं ये डिप्टी गवर्नर होते हैं, मतलब कितने मेंबर होते हैं, 5। 5 को अगर हम करते हैं तो 4+1, ये जो 4 हैं ये डिप्टी गवर्नर होते हैं, और 1 क्या होते हैं, आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक, आरबीआई गवर्नर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम स्टार्ट करते हैं, एनजीटी
एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये है क्या एक्चुअली, अगर अपने इंडिया में अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको पुलिस ले जाती है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे अगर आप करप्शन करते हैं तो सीबीआई पकड़ के ले जाती है, ईडी ले जाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। तो अभी क्या हुआ कि एनजीटी ये है क्या, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका काम है कि इसका जो सारे जो मैटर होते हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है और कूड़े से रिलेटेड है। मतलब अगर हम घर के बाहर जो कूड़ा जलाते हैं उससे जो गैसें निकलती वो हानिकारक होती हैं, तो इन सब का विवादों के निपटारण के लिए एनजीटी का गठन किया गया। जब एनजीटी का गठन किया गया तो इसके चेयरमैन भी तो होंगे, तो इसके चेयरमैन का नाम लिख लीजिएगा, इसके चेयरमैन हैं आदर्श कुमार गोयल। ये आप ध्यान रखिएगा कि एनजीटी के चेयरमैन का नाम क्या है, आदर्श कुमार गोयल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हाल ही में एक थोड़ा सा मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने एक पिनाका मिसाइल का टेस्टिंग किया, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पिनाका क्या है। पिनाका एक्चुअली क्या है, डीआरडीओ ने PINAK पिनाका का परीक्षण किया, मतलब टेस्टिंग किया, ठीक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डीआरडीओ ने अभी इसका तो टेस्टिंग किया, पिनाका है क्या। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पिनाका है क्या, तो लिख लीजिएगा पिनाका मल्टी बैरल मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको बस इसमें पूछेगा कि पिनाका टेस्टिंग किसने किया, जो पिनाका जो किया डीआरडीओ ने किया। पिनाका है क्या, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डीआरडीओ की, जो डीआरडीओ का फिर मैं लास्ट लेक्चर में बताया था लेकिन यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, डीआरडीओ का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये किया गया था 1958 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, ये भी आपको पता है, न्यू दिल्ली। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक। अब उसके बाद अगला चलते हैं हाल ही में, ठीक, यहाँ तक हो गया। अभी दो व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ठीक। पहले अगर हम बात करते हैं निकी लाडा जिनका हाल ही में देहांत हो गया, डेथ हो गई, वो किस फील्ड से हैं, फार्मूला वन रेसिंग से, ठीक, फार्मूला वन रेसिंग से तो है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक व्यक्ति और है जिनका नाम है चार्ली वीटिंग। ये भी इससे रिलेटेड हैं, और दोनों लोगों की हाल ही में क्या हो गई है, डेथ। ये ध्यान रखिएगा कि निकी लाडा भी इससे रिलेटेड है और चार्ली वीटिंग भी रिलेटेड टू फार्मूला वन से, जिनका हाल ही में क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक।
अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो लिखते हैं कि तीन, अभी हाल ही में तीन कंट्री हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, तो यहाँ पे एक तूफान आया था, उस तूफान का नाम है इदाई। इदाई एक तूफान आया था तो पूछेगा किस कॉन्टिनेंट में आया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आया तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलर थ्री कंट्री हैं, उन कंट्री का नाम पहले आता है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और सेकेंड कंट्री जो आती है आपकी जिम्बाब्वे, और जो थर्ड कंट्री आपकी आती है मालवी। ये एक इदाई क्या है, एक तूफान इन तीन कंट्री में आया। ये जो तीनों कंट्री हैं किस अफ्रीका महाद्वीप के, ये ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के, महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के। तो मेरा क्वेश्चन ये, अगर अब एयरफोर्स के एग्जाम में पूछेगा तो मोजाम्बिक की कैपिटल मपूतो, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, मपूतो, और जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे, ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी कैपिटल है, और इसकी कैपिटल के बाद जिम्बाब्वे की भी तो कैपिटल होगी और इसकी भी तो कैपिटल होगी, इसकी कैपिटल है हरारे। ठीक, मालवी के अगर कैपिटल की बात करते हैं तो LILONGWE, ये इसकी कैपिटल। तो आपको इसमें से सिर्फ मोजाम्बिक की और जिम्बाब्वे की कैपिटल पता होना चाहिए, क्योंकि लगातार एयरफोर्स के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कैपिटल से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा। ये अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, बट इन दोनों की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। ठीक, फिर यहीं पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि पपुआ की राजधानी, पपुआ एक्चुअली एक देश है, पपुआ, पा पू पा, पपुआ एक्चुअली एक कंट्री है जिसकी कैपिटल, पपुआ एक देश है जिसकी कैपिटल जयपुरा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार अभी कुछ न कुछ निकल के आ रहे हैं, ये कुछ कैपिटल है जहाँ पे कुछ इंडिया से रिलेटेड है, इनको सिर्फ आपके इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इनकी कैपिटल के बारे में पढ़ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी क्या हुआ, हमारे इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे एक डोपिंग एजेंसी है, तो वो है वाडा, और इंडिया लेवल की अगर बात करते हैं एक एजेंसी है जिसका नाम है नाडा। ठीक, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये है, तो इसका पूछेगा वाडा का फुल फॉर्म, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और अगर नाडा की बात करते हैं तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहां से W का मीनिंग क्या है, वर्ल्ड से, सेम तो ये सब सेम है, और N से क्या है, ये ध्यान रखिएगा, N से हमारा क्या आएगा, नेशनल। बस ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन ये चीज होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो है नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौसम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मौसम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मौसम दिवस यानी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डे किस डेट को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा 23 मार्च को
23 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 23 मार्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। तो आपको यहाँ से तो पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम दिवस 23 मार्च को तो मनाया जाता है, लेकिन 23 मार्च और यहाँ पे पूछेगा 1931 कि किन किन तीन तीन लोगों को फांसी हुई थी, इन तीन लोगों को फांसी हुई थी, यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी हाल ही में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ, हाल ही में माली एक देश है जिसकी कैपिटल बमाको। अब किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि माली एक देश है, किस कॉन्टिनेंट का है, तो ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है माली। अब माली की कैपिटल क्या है, बमाको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अभी वाइस एडमिरल जो कि बनाए गए हैं करमवीर सिंह अभी जो है क्या बनाए गए हैं, हाल ही में वाइस एडमिरल बनाए गए हैं नौसेना के। और ये किस नंबर के हैं, 24 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वाइस एडमिरल नौसेना अध्यक्ष के जो अभी नए बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, करमवीर सिंह, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे इंडिया में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोकपाल अध्यक्ष की बात आती है तो कुछ लोगों के कन्फ्यूजन होता है कि सर फिर लोकायुक्त क्या होता है। एक्चुअली दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होता है, लेकिन अगर स्टेट में बात करते हैं तो लोकायुक्त होता है, मतलब करप्शन को रोकने के लिए एक आयोग बनाया गया, उस आयोग के जो उसमें होता है लोकपाल अध्यक्ष होता है और स्टेट में जो होता है लोकायुक्त होता है। फिर हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि लोकपाल अध्यक्ष क्या है, तो सब कोई लोग जनरली क्या करते हैं, पीसी घोष सीधा लिख देते हैं, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता होता है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष, ये ध्यान रखिएगा कि लोकपाल अध्यक्ष जो कि सेंटर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है और इसमें इसके जो अध्यक्ष का नाम है पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष मत ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी पीसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, पिनाकी चंद्र घोष।